हाय फ्रेंड्स, स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे वही किताब कवर में जो 48 पेज का जो इनर बच गया था, जिसका कवर है जो कि हम लोग पहले बना चुके हैं, उसी का जो कि इनर को आगे हम लोग काम करते हैं, उसका साइज वगैरह यहाँ पे रिसर्च करेंगे। इसका साइज है जो कि यहाँ पे बड़ा है, इसका साइज हम लोग करेंगे 8.5 और इधर से ऑलमोस्ट 11.2 रखेंगे या 2.5 भी रखेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि वहां पर है जो कि 0.2 का जगह दे देंगे तो वहां पे जो कि 22.6 हो जाएगा। इसे जो कि पहले हम ग्रुप कर लेते हैं सबको, क्योंकि ग्रुप कर लेंगे उसके बाद है जो कि सभी का है जो कि हम एक साइज करेंगे। तो इसका साइज हम लोग यहाँ पर से कोशिश करते हैं कि अगर हम लोग 8.5 लेते हैं तो यदि इधर से 17 हो जाएगा तो इधर से जो कि 8.5 और इधर से रखेंगे 11.2 तो ऑलमोस्ट हम लोग का सही चल जाएगा। वहीं करते हैं और इसका जो कि सबको कंट्रोल आर के साथ है जो कि रिप्लेस के लिए चल जाते हैं, क्योंकि कंट्रोल आर जब करते हैं तो उससे जो कि रिप्लेस हो जाता है। आपको बार बार अगर साइज करना तो आपको वहां पर जाकर बार बार साइज करना पड़ेगा, उससे अच्छा है कि आप रिप्लेस कर दीजिए, कंट्रोल आर के साथ चल जाएगा। तो ये जो कि हम इसको कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो कि आप पेज साइज ले लेते हैं 8.5 11.2 और यहाँ पर जो कि हम लोग एक बार RGB देख लेते हैं क्या RGB वगैरह है। यहाँ पे इमेज इतना है, RGB वही प्लेटेड है, वही होगा जो लोगों में था, उसके अलावा तो बाकी सब है जो कि यहाँ पे ओके। यहाँ पे जो कि सब सही, यहाँ पे जो कि कलर में जो कि थोड़ा सा RGB नज़र आ रहा है, जो हो सकता है कि ब्लैक भी हो और यहाँ पे कलर भी होगा, येल्लो में भी होगा और ब्लैक में भी होगा, जो 00 ब्लैक होता है। अब यहाँ पे जो कि इसको अनग्रुप करते हैं, यही होगा प्लेटेड और इसे यहाँ से बीट मैप मार लेंगे ग्रे स्केल में, क्योंकि ये सिंगल कलर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ग्रुप कर लिए हैं, यहाँ पे सब कुछ ब्लैक वगैरह ठीक है, तो एक बार फाइन एंड रिप्लेस कर लेंगे हम लोग ओके। और अगर ब्लैक रहेगा तो फिर आ जाएगा, तो लोग फाइन एंड रिप्लेस करके यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ब्लैक है, यानी कि वही आपको ब्लैक जो है चारों कलर में गिर जाएगा अगर उसको रिप्लेस कर देते हैं तो। इसको है जो कि हम लोग को यहाँ पे ब्लैक ऑनली करना पड़ेगा, उसके लिए इसको बंद करेंगे, कंट्रोल जेड करते हैं, यहाँ पे आएंगे और फाइंड एंड रिप्लेस, और यहाँ से जो कि ये कलर ब्लैक कलर जो कि यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे ऊपर में, और यहाँ से ब्लैक के साथ जो कि रिप्लेस कर देंगे, 100% ब्लैक हो गया आप ओके। एक नज़र है जो कि सब में आप चेक कर लेते हैं, यहाँ पे जो कि सबको जो कि यहाँ पे रिप्लेस कर चुके हैं। अब यहाँ से जो कि हम लोग एक नंबर पे आ जाते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं कि और बचा हुआ है क्या। यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे बीटमैप तो ऑलरेडी सब था। अब यहाँ पे जो कि दो चार वो हुई जो येल्लो वाला जो बता वो यहाँ पर आ गया, इसको रिप्लेस कर लेते हैं और ये एक बार फिर से चेक करते हैं। यहाँ से कंट्रोल पी या पी भी मार सकते हैं, यहाँ से जो कि हम लोग प्रिंट मारेंगे यानी कि PS बनाने के लिए ठीक है। यहाँ से PS साइज ले लेंगे 8.5 और इधर से लेंगे 11.2 ओके। और इधर से हो गया अपना सारा सेटिंग देख लेते हैं अपना, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे सेटिंग अपना नाम से सेट करके इसको रखते हैं। बस यहाँ पे जो कि आपको सिलेक्ट करना है और साइज यहाँ पे डालना है और यहाँ से आपको PS बना लेना है। PS बना करके हम लोग सर्वर पे चलते हैं, यहाँ से PS बना लेते हैं, पार्टी के नाम से सेव कर लिए हैं, PS बन जाएगा। इसको लेकर के हम लोग सर्वर पे चलते हैं, एक बार कैलकुलेशन करके यहाँ पे देख लेते हैं, 6 फर्मा हो गया यानी 12 सेट हो गया। यहाँ पे PS कॉपी कर दिए हैं, क्योंकि कभी भी फर्मा अगर आप बनाते हैं तो आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए। तो चेक कर लेना चाहिए का मतलब कि अगर बात 48 पेज है ठीक है, 52 पेज है, 54 पेज है, 56 पेज है, इस तरीका से तो आपके कैलकुलेटर में अगर आप उसको भागा कर लेते हैं तो आपको अच्छी तरीका से जो कि आपको निकाल के आ जाएगा अगर आप कहीं पर गड़बड़ा रहे हैं तो। यहाँ पे जो कि मेरा PS ऑलमोस्ट कॉपी हो चुका है। अब यहाँ से जो कि हम लोग डॉट सिलेक्ट करेंगे 133 क्योंकि 8 पेपर है, और यहाँ से जो कि हम लोग प्रिंट मारते हैं। अब इसको है जो कि हम लोग पहले यहाँ पे है जो कि इसको रिप होने देते हैं, उसके बाद है जो कि इसको हम लोग देखेंगे कि इसमें RGB मतलब इसमें ब्लैक है कि नहीं है, RGB क्या कहीं छूट गया है क्या है नहीं है, ये सब है जो कि एक बार चेक कर लेते हैं। इसको हम लोग रिप का इंतजार कर रहे हैं, ये रिप हो गया है। अब रिप होने के बाद इसको हम लोग यहाँ से जो कि सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके यहाँ पर जो कि हम लोग देखते हैं कि ब्लैक गिरा कि नहीं सही से, कहीं RGB तो नहीं है, तो एक चीज बार चेक कर लेते हैं, ब्लैक सही है ओके। और यहाँ से जो कि एक दो पेज और हम लोग चेक कर लेते हैं, लास्ट पेज चेक कर लेंगे। इस तरीका से चेक करने से होता है कि आप आइडिया बन जाता है कि हाँ अगर यहाँ मतलब ठीक है तो आगे भी ठीक होगा। इस तरीका से आपको एक बार कंफर्मेशन कर लेना चाहिए, उचित है, क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर आपको पता ही है कि जब होगा तो लंका ही लग जाता है। तो ये अपना यहाँ तक सब कुछ ठीक है, हम लोग एक है जो कि नहीं होता है तो आप यहाँ पे देख लेते हैं जिसमें ब्लैक का ज़्यादा मैटर हो, तो ये
चलिए ये भी ठीक है, और हम लोग भी नहीं होता तो एक और लास्ट देख लेंगे, इसको यहाँ से काटेंगे। लोग यहाँ से स्क्रोल कर नीचे आते हैं और नीचे से जो कि हम लोग इसको रोम करेंगे यहाँ से रोम नाउ। चलिए ठीक है, ब्लैक सही है। अब यहाँ से छोड़ते हैं, अब इसका जो कि हम पास होने देते हैं, उसके बाद जो कि हम इसको अरेंज करेंगे। इसका साइज देखिए डबल क्लिक किए हैं तो इसका साइज बता दिया, अब इसको पास होने देते हैं, उसके बाद जो कि हम लोग इसको अरेंजिंग के लिए चलते हैं। तो हम लोग के पास पहले से टेम्पलेट बना हुआ है, टेम्पलेट को यहाँ से ओपन कर लेते हैं क्योंकि हम हमेशा बना करके मेरा यहाँ रखा हुआ रहता है। अब इसको जो कि देखिए यहाँ पे हम लोग रिसाइज वगैरह करेंगे, जो भी आपको ज़रूरत है उस हिसाब से यहाँ से हम लोग साइज जो है अपना वो साइज यहाँ से डालेंगे, जितना पेज है वो जितना पेज डालेंगे, सेंटर है कि साइड है वो सेंटर है तो सेंटर के हिसाब से करेंगे, साइड है तो साइड के हिसाब से। और यहाँ से जो कि अपना सब कुछ चेक कर लेना, यहाँ से प्लेट वगैरह चेक कर लेना, देख सकते हैं डोमिनेंट मेरा सेट है। और यहाँ से जो कि ओके करेंगे, यहाँ से भी ओके करेंगे, ये आ गया। अब इसको पकड़ के एक बार हम लोग प्लेट का सेंटर मिला लेते हैं ग्रिपर पर, तो यहाँ से जो कि एक बार रीचेक कर लेते हैं, डोमिनेंट यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं अपना ओके। अब यहाँ से जो कि हम लोग एक बार फिर से सेट कर लेते हैं, और यहाँ से आकर के देखिए माथा पर यानी बीच में जो पॉइंट वन का जगह था वहाँ पर हम पॉइंट टू का जगह दे दिए हैं, यहाँ पे यस करेंगे ओके करेंगे। पॉइंट टू का जगह इसीलिए दिए क्योंकि 11.2 था, अब उसका जो कि हम लोग 11 दुनी 22 हो गया, 22.4 हो गया, अब पॉइंट टू का जगह दे दिए 22.6 हो गया, उससे जो कि हम लोग को क्या हो गया कि आराम से जो कि बीच में कटिंग का जगह मिल गया, क्योंकि पेपर तो टेस्ट रहता, अगर कटिंग भी होता तो पौने टेस्ट तक पेपर रहता, इसीलिए हिसाब से हम जगह दिए हैं। इसको जो कि पास होने का हम इंतजार करते हैं, तो ये है जो कि पास हो गया। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं और जो पार्टी के नाम से वो पार्टी के नाम से यहाँ से हम लोग सर्च करते हैं और ये फाइल को यहाँ से लाएंगे। अब इसे यहाँ से सर्च कर लेते हैं, ओके करेंगे, न्यू करेंगे, ओके करेंगे, ये यहाँ पे आ गया। इसको पकड़ के यहाँ पे ला के एक नंबर पे छोड़ देंगे, ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट ये सेट हो जाता है, यही इसका फायदा है, कम समय में ज़्यादा काम। एक बार कन्फर्मेशन हम कर लेते हैं, यही फाइल है ठीक है, यही फाइल है। और इसे है जो कि हम लोग अब एक बार पेज सेटअप और ग्रीपर यहाँ पे चेक कर लेते हैं, सेट हो गया है। सेव करने का मतलब कि इसको हम सेव एज करते हैं, ठीक है ना, सेव एज का मतलब कि इसको सेव एज करके कहीं और रख लेते हैं, मेरा ऑलरेडी पहले का जो टेम्पलेट है वो एज इट इज रह जाता है ओके। तो इसको जो कि हम लोग यहाँ पे सब कुछ सेट कर लिए हैं, अब इसको जो कि हम लोग यहाँ से आउटपुट करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो एक बार जो कि अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो ऊपर जाकर कलर सेपरेशन इसको चेक कर सकते हैं। कंफर्मेशन करने के बाद है जो कि अब हम लोग इसको आउटपुट करेंगे, आउटपुट करने के लिए यहाँ आउटपुट में आएंगे और यहाँ से जो कि चारों कलर देख सकते हैं, यहाँ पे 12 पेज हो गया यानी 12 सेट हो गया, 6 फर्मा हो गया। और यहाँ से ओके करेंगे, ये जो कि हरवर में आ गए, यानी कि एक बार सबको रीचेक अगर आप करना चाहते हैं तो रीचेक कर सकते हैं, अन्यथा हम कर चुके हैं। अब यहाँ से जो कि इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको जो कि यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कि हाँ सब कुछ मैटर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है या भाग रहा है कुछ, इसको जो कि यहाँ से प्रीव्यू कर रहे हैं। अब यहाँ से डबल क्लिक करेंगे और इसे यहाँ से हम लोग प्रीव्यू करके देख लेते हैं, तो सब कुछ अपना ऑलमोस्ट सही है, ये देख सकते हैं 1:48 इधर हो गया। तो इस तरीके से जो भी है आप अपने हिसाब से इसको चेक भी कर सकते हैं, आप लोग तो काफ़ी समझदार हैं ठीक है। कभी भी हम बार बार चेक का इसीलिए नाम लेते हैं कि आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि एक गलती अपना किसी का कुछ भी बिगाड़ सकता है, समझ रहे हैं ना। तो इसको यहाँ से देख लेते हैं अपना, एक दो नंबर ठीक है, इधर ठीक है, बीच का ठीक है, ठीक है। और इसे है जो कि अब हम लोग टहलने देते हैं, यानी कि इसको पास होने देते हैं हर बार से, उसके बाद है जो कि हम लोग इसको मशीन पे ले जा करके उसको वहाँ पे डालेंगे जहाँ प्लेट बनने के लिए जाएगा। तो यहाँ से जो कि हर बार से पास हो रहा है, अब हम लोग आ जाते हैं अपने फोल्डर में और यहाँ पे जो कि अपना जॉब ये रखा हुआ है, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ मशीन वाले से सिस्टम है उसमें जो कि कॉपी करेंगे, वहाँ से जो कि पेस्ट करेंगे और यहाँ पे आ जाते हैं। और यहाँ से जो कि इसको शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से प्लेट का साइज लेते हैं, ऐड करते हैं और यहाँ से जो कि मशीन पे टिप डाउनलोडर में अपलोड हो गया। अब ये जो कि प्रोसेस हो रहा है ओके। तो आप इस तरीका से है जो कि रिप कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, यही तरीका है ओके। तो चलिए मिलते हैं कॉपी में, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छी वीडियो ला कीजिएगा, गुजारा है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं कॉपी में इसी तरीके का वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट कर सकते हैं और ये भी कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ओके।